पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान बीते कई महीनों से अपने बयानों और अदालती मामलों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी तुलना महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे महान शख्सियत से की है। इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है कि ये लोग मुझे फिर से जेल में डाल देंगे, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मैं बाहर रहा तो मेरी पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी। इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमें जेल में डालकर चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है, वे हमें जितना दबाव डालने की कोशिश करेंगे पीटीआई को उतना ही अधिक समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं के नक्शे कदम पर चलेंगे। इमरान खान ने मुखर होकर कहा, मैं राजनीति में करियर बनाने नहीं आया हूं, मैं किसी को भी राजनीति में करियर बनाने की सलाह भी नहीं देता हूं। राजनीति सबसे खराब करियर है। राजनीति का एक मकसद होता है, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, जिन्ना जैसे नेताओं ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, वे निस्वार्थ सेवक रहे हैं इसलिए वे हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं। उन्होंने कभी सत्ता नहीं चाही, वे एक लक्ष्य के लिए लड़े हैं। इमरान ने विश्वास जताया है कि जब भी चुनाव आएगा पीटीआई की जीत होगी। शहबाज शरीफ को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से दावा किया जा रहा है कि शहबाज सरकार की कार्रवाई से डरकर कई राजनेताओं ने इमरान खान का साथ और उनकी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इमरान खान ने खुद कहा है कि सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव डाल रही है। पिछले साल सत्ता से बाहर होने के बाद इमरान खान के खिलाफ मौजूदा शहबाज सरकार ने कई मामले दर्ज किए हैं जिसमें भ्रष्टाचार, हत्या, हमले, देशद्रोह और आतंकवाद जैसे करीब 170 मामले इमरान खान के खिलाफ दर्ज हैं। हालांकि इमरान खान और उनकी पार्टी आरोप लगा रही कि ये सभी राजनीति से प्रेरित हैं। इमरान खान को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में खूब बवाल मचा था, साथ ही राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनके समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में जमकर बवाल मचाया था और सेना से भी भिड़ गए थे। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई थी। फिलहाल इमरान खान अभी भी मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं।